चलो उठो, आज ही आते होंगे। चलो चलो, मुझे बाबू सामान निकाल। अच्छा आओ सुनिए, चलो आओ। कैसे हो मैं, कैसी हो नीला? अरे बस, बहुत दिनों बाद। रहने दो, रहने दो। भाभी कैसी हो? भाभी बस ठीक हूँ। भैया कहाँ है? वो कहाँ रहते हैं घर में इस वक्त? वो तो कचहरी गए हैं। अरे अरे रहने दो शीला। अच्छी तो शीला? ठीक हूँ। ये क्या उन्हें बना रखा है? काम कर रही थी। अतुल आओ, बड़ी माँ और चाची के पैर छुओ। चलो माधव। हरीश भैया आए, जाओ मिल लो जाकर। अरे अब तो रोज ही मिलेंगे, यही वकालत करेंगे बड़े भैया के साथ। तू ही, तुम ही नहीं कर पाए कुछ। अरे हरीश भैया भी तो रहे पटना में, क्या कर लिया, आ गए ना वापस? फिर भी वकील तो हैं। वकालत पास की है, वकील ही तो बनेंगे। तुम भी तो बन सकते थे वकील। अरे इतना सब कुछ आसान थोड़े ही है। वो दोनों ठहरे सगे भाई, ताऊ जी खुद वकील थे, दोनों को पढ़ा लिखा दिया। मैं तो हूं उनका चचेरा भाई, कैसे भी मैट्रिक पास कर लिया। ऐसा ना कहो, बड़े भैया ने कभी तुम्हें पराया नहीं समझा। अरे मैंने कब कहा पराया समझते हैं। अच्छा जाओ, हरीश भैया से मिल तो लो जाकर। जाता हूँ, पहले जरा तू ही जान। बाद में करना सब, कभी काम की भी सोचा करो, जिससे दो रुपए आए घर में। लो पिछले साल ही तो कमाए 4,000। गवाया कितना उसका भी हिसाब है। ये तो बड़े भैया हैं जो कुछ कहते नहीं। हरीश भैया आ गए, अब देखना। माधव माँ दवाई। कई दिनों से अतुल कोट के लिए कह रहा था, आखिर मैंने सिलवाई दिया। दर्जे को 35 रुपए देने हैं दीदी। एक कोट की सिलाई 35 रुपए? ये तो कुछ भी नहीं दीदी, अतुल के एक एक सूट की सिलाई तो 80-100 रुपए दिए हैं। सूट? कोट पैंट और टाई, ये सब मिलाकर सूट कहते हैं। मैं दवाई। नीला अपनी छोटी चाची से क्या अलमारी से रुपए निकाल दे। शीला को क्यों परेशान करती हो, मुझे चाबी दो ना, मैं निकाल लेती हूँ रुपये। माँ के पास चाबी कहाँ है? अलमारी की चाबी तो हमेशा छोटी चाची के पास रहती है। ये देखो अंदर एक जेब भी है, किसी को पता ही नहीं चलेगा, इसे चोर जेब भी कहते हैं। ये देखो कंटेंट पेन रखने के लिए अलग एक खांचा भी है। हाथ क्यों लगाता है, नया कोट है, क्रीज बिगड़ गई तो? चाची चाची देखो मेरा नया कोट, अच्छा है ना? अच्छा है, ये लो। ले ले तू, बक्सा भरा है कोट और पैंट से, फिर भी इसका मन नहीं भरता। तुम भी माँ, वो तो सब पुराने फैशन के कपड़े हैं, वो क्या आप पहनने लायक हैं? ऐसे नए फैशन का तो ये दूसरा ही कोट है। अच्छा अच्छा जा रुपए दे, दर्जी बाहर खड़ा है। चल हरी, देखो हरी क्या पहने रहता है, यहाँ से नीचा, यहाँ बटन गायब, यहाँ से ऊंचा, तुम्हें बुरा नहीं लगता? जैसे एक चिपकली घूम रही है। सच्ची बेचारों के क्या कपड़े हैं। शीला सबों को दो ना दो दो जोड़े नए कपड़े बनवा कर पहन कर खुश होंगे। बड़ी माँ मुझे दो ना रुपए, मेरे दर्जी से सिलवा दूंगा कपड़े, देखना क्या कट होगा। तुझे ज्यादा होशियारी झाड़ने की जरूरत नहीं है, इनके कपड़े बनवाने के लिए और बहुत दर्जी हैं। दीदी सुनी शीला की बात, क्यों अतुल ने ऐसा क्या कह डाला? शीला की बातें दीदी ने बहुत सुनी है, तुमने ही नहीं सुनी। अतुल भाई होकर जो हरी की खिल्ली उड़ा रहा है और तुम वो सुनकर दांत निकालकर हंस रही हो। अतुल अगर मेरी कोख से पैदा होता तो उसे आज जिंदा ही गाड़ देती। चल पप्पू, चलो राम, चलो ऊपर चलो। दीदी आज अतुल का जन्मदिन है और आज उसे शीला ने इतनी बड़ी गाली दी। तुम भी चुप रहो और कुछ ना करो तो हमें ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। चलो तुम। क्या बात है बहू, आओ। दीदी ना मैं किसी का खाती हूँ ना पहनती हूँ, फिर क्यों किसी की चूतिया खाऊं? तुम क्यों किसी का सुनने लगे? छोटी बहू की जुबान ही ऐसी है, तुम बुरा मत मानना। फिर तुमसे तो कुछ नहीं कहा, सिर्फ अतुल को जिंदा गाड़ रही थी और मैं हमेशा दांत निकाल कर हंसती रहती हूँ। उसकी और तरफ मत करो दीदी, जूती और कैसे मारी जाती है, पकड़ कर सचमुच नहीं मारा इससे तुम्हें अफसोस हो रहा है? क्या कह रही हो बहू,
मैंने उसे कहा तुमसे कुछ कहने को? आओ, तुमने कुछ कहा कि नहीं तुम्हें ही मालूम होगा। किसी के मन में क्या है क्या पता चलता है? हम नए आए हैं, हमारी वजह से अगर तुम्हें तकलीफ हो रही हो तो कह दो हमसे, हम चले जाएंगे। लेकिन किसी दूसरे से जूते क्यों लगवाती हो? इस तरह से ताने न मारकर प्यार से भी तो कह सकती थी, देखने सुनने में भी अच्छा लगता और हम भी अपनी इज्जत उड़े चले जाते। वो सुनेंगे तो आसमान से गिरेंगे। कहते फिरते हैं हमारी बड़ी बहू साक्षात देवी है। ये बात तो मैं दुश्मन से भी नहीं कह सकती, ये बात तेवर के कान में डालने से तो मेरी मौत अच्छी है। तुम लोग यहाँ आए हो, मुझे कितनी खुशी हुई है मैं क्या बताऊँ। लाओ मेरे बच्चों को, मैं उनके सौगन खाकर कहती हूँ। लो दीदी दूध पी लो। निकल निकल यहाँ से अभी, तेरे जो मुंह में आए वो ही सुनाते फिरेगी। समझती क्या है तो अपने आप को? मैंने क्या कहा? मुझे सुना सुना कर तेरी हिम्मत बढ़ गई है। तेरी परवाह कौन करता है, कौन करता है तेरी परवाह? निकल जा मेरे सामने से। अच्छा अच्छा दूध पी लो, जाती हूँ। ये ग्लास चाहिए अभी मुझे। नहीं पीऊंगी दूध, तू चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं चली जाती हूँ। जब तक तू नहीं जाएगी मैं पानी तक नहीं पीऊंगी। एक महीना ही तो हुआ है अपने घर होकर आई हूँ, इतनी जल्दी नहीं जाऊंगी। तुम बहुत दिन नहीं गई अपने पीहर, तुम जाओ घूमा। और मछली दीदी तुम भी क्यों छोटी छोटी बातों को लेकर तूफान खड़ा कर रही हो? वैसे ही दीदी को बुखार है, क्यों तंग कर रही हो उनको? मुझसे कोई गलती हुई तो कहो ना मुझसे। आज अतुल का जन्मदिन है, क्यों तूने बच्चे को बुरा भला कहा? अच्छा ये बात है, मछली दीदी तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी तरह मैं भी माँ हूँ। मेरे लिए जैसे कन्हाई पप्पू है वैसे ही अतुल भी मेरा है। माँ की बातें बच्चों को नहीं लगती, मैं अभी अतुल को बुलाकर उसे आशीर्वाद दूंगी। लो दीदी दूध पी लो, मैं बर्तन चढ़ाकर आई हूँ चूल्हे पर। तुमने मछली दीदी को भी कुछ कहा है, उससे भी माफी मांग लो। लो अभी लो, मुझसे कोई गलती हुई तो माफ कर देना दीदी। इस पगली की बातों का कभी बुरा मत मानना बहू। अब मुझे ही देखो ना, इसे कितना डांटती हूँ गाली देती हूँ फिर भी एक पल इसे न देखो तो मन ही मन बेचैन हो उठती हूँ। अब तो पी लो दूध। इतना दूध तो मुझसे नहीं पिया जाएगा। कैसे नहीं पियोगी, लो पियो। आज अतुल का जन्मदिन है, उसे बुलाकर आशीर्वाद करना। करते हैं। भगवान भी कभी कभी गड़बड़ कर बैठता है। मुझे घर की बड़ी बहू तो बनाया लेकिन न मुझ में उतनी विद्या है न सूझबूझ। और शीला को देखो, सबसे छोटी बहू है लेकिन पढ़ाई लिखाई घर गृहस्थी हर बात में आगे है। ये मर्द होती तो जरूर कहीं कलेक्टर बन जाती। कोट ले लो अतुल, फाड़ में जाए एक कोट, मेरे पास ऐसे बहुत से कोट पेन नेकटाई हैं। चाची अपने आप को समझती क्या है? मुझे गुस्सा आ गया तो मैं किसी भी चाची वाची की परवाह नहीं करता। मैं भी किसी चाची की परवाह नहीं करता। चुपका नहीं आ रहा है। चलो अरे भैया, अतुल भैया माँ बुला रही है जल्दी। मुझे? मैंने क्या किया? नहीं 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 मुझे नहीं। जाओ अतुल भैया, छोटी चाची तुम्हें बुला रही है। माँ दोनों को ही बुला रही है। अरे तुम्हारा नया कोट जमीन पर क्यों पड़ा है? गंदा हो गया। चलो चलो जल्दी। कोई जरूरत नहीं तुम्हें जाने की, चुपचाप बैठा रहिए। नहीं माँ, चाची मुझे सुना रहा, मैं चुप रहूं, मैं भी जाकर सुनाता हूँ। क्या कहेगा? कुछ भी कहूँ, मैं किसी की परवाह थोड़ी ही करता हूँ। ऐसा सुनाऊंगा कि याद रहे चाची को कि हाँ कोई है। जूते पहनकर और रसोई में? अतुल भैया चाची से बिल्कुल भी नहीं डरता। आ गया अतुल, बस एक मिनट। अरे ये क्या, जूते पहनकर रसोई में? चल पीछे तो हट। जूते पहनकर रसोई में नहीं आते अतुल, पीछे हट जाओ। पर मैं तो चौकट पर खड़ा हूँ, जूते पहनकर चौकट पर खड़े रहने में कोई दोष नहीं है। दोष है, पीछे हटो। हमारे पटना में मैं तो जूते पहनकर रसोई में जाता था, यहाँ तो चौकट पर खड़ा हूँ, इसमें कोई दोष नहीं है। क्या बात है छोटी चाची,
अतुल भैया जूते पहनकर रसोई के चौखट पर खड़ा है। शीला चाची कह रही है हटने को, लेकिन वो नहीं हट रहा। अतुल चलो यहाँ, तुम जाओ अपना रास्ता ना पो। यहाँ खड़े रहने में क्या हर्ज है? चाची मुझसे नफरत करती है, तभी तो मेरी गलतियाँ निकालती रहती है। नहीं हटता, जाओ। क्या कर लोगी मेरा? अतुल बड़ों से कैसी बातें करते ये भी नहीं पता, बदतमीज, चल हट। आ चल उठ साला, भाई का बच्चा, हरामी, गधा, उल्लू का पट्टा, तूने मुझे मारा, तू साला, नहीं छोडूंगा तुझे, साला गधा, उल्लू का पट्टा, नहीं छोडूंगा तुझे, नहीं छोडूंगा, साला गधा, नहीं छोडूंगा, नहीं छोडूंगा, नहीं छोडूंगा, तूने मुझे मारा, नहीं छोडूंगा, नहीं छोडूंगा, तू क्या कर रहा है, छोड़ क्या बात है, नहीं छोडूंगा, ये क्या हो रहा है, अरे क्यों मारा मेरे बच्चे को, अरे बचाओ मेरे बच्चे को, हे भगवान, अरे इतना मारा मेरे बच्चे को, मार मार के आसमान बना दिया, रो मत बेटे, रो मत, बहुत छोटा ये क्या मारा पीटी हो रही है, रो मत बेटे, चलो उठो, उठो बेटे, क्या बात है, किसने मारा तुझे? चाची हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है, जब देखो मुझे आंखें दिखाती है, मुझे यहाँ बुलाया पता नहीं क्यों, फिर महेंद्र भैया से कहा मुझे पीटने को, उसने मुझे खूब पीटा। अतुल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो महेंद्र से इस बुरी तरह से पिटवाया? अतुल ने छोटी चाची का कहा नहीं माना और महेंद्र भैया को बहुत गाली दी। छोटी बहू, तुम्हारे कहने से जब महेंद्र ने पीट कर अधमरा कर दिया तभी मैंने अतुल ने मुंह खोला है, नहीं तो मेरा बच्चा इतना नालायक नहीं जो किसी को भी गाली निकाले। हाँ, और नीला अपनी छोटी चाची से पूछ तो, वो है कौन जो किसी से कहे हमारे अतुल को पीटे? अगर उसने तुम्हारी छोटी चाची का कहा नहीं माना तो हमसे आकर शिकायत करती, हम लोगों के रहते शीला क्यों खुद अपना हुक्म चलाती? जब आपको पता ही नहीं, अगर यही बात है तब तुम भी मुझसे शिकायत न करके खुद क्यों छोटी बहू को बुरा भला कह रहे हो? मैं हूँ तुम्हारे बड़े भैया है, जरूरत होगी तो हम समझ लेंगे छोटी बहू को। तुम मर्द हो देवर, तुम्हारा आम औरतों में क्या काम, चलो जाओ यहाँ से। तुम ही अगर सब ख्याल रखती भाभी फिर तो कोई बात ही नहीं थी, फिर क्या कोई इस घर में एक दूसरे पर जुल्म करता फिरता? जा कहाँ रहे हो, खड़े होकर देखो ना दीदी शीला से कुछ कहती है नहीं, चलो तुम आओ। चाची रसोई पड़ी है, चलो तुम लोग। शीला को वो सबक सिखाऊंगी जिंदगी भर याद रखेगी।